नोटबंदी के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बैंक खातों में रकम जमा की गई थी। चूंकि उस वक्त एक बार में 2.5 लाख तक कोई पूछताछ करने का नियम नहीं था, लिहाजा लोगों ने नियमों को ताक पर रखते हुए खातों में रकम जमा की। इसके बाद इन सभी खातों को, जिसमें 2.5 लाख से अधिक की रकम जमा हुई थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना रडार पर लिया और नोटिस भेजा, जिसमें देश भर में बड़ी संख्या में लोगों ने जवाब दिया, जिससे विभाग सहमत हो गया। लेकिन अभी 87,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने जवाब नहीं दिया और जनपद में ऐसे लोगों की संख्या 250 से अधिक है, जिन्हें 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स युद्धवीर सिंह ने बताया कि नोटबंदी के समय 2.5 लाख रुपए तक की रकम सेक्शन 142 के तहत छूट में थी, लेकिन कुछ लोगों ने इससे अधिक रकम जमा की और उसका हिसाब नोटिस के बाद भी नहीं दिया। जनपद में ऐसे लोगों की संख्या 250 से अधिक है। अगर इन्होंने 30 सितंबर तक जवाब नहीं दिया तो इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी। ऐसे खाता धारकों की संख्या देश भर में 87,000 है। जनपद में सूचना दान देने वाले डॉक्टरों, उद्योगपति ज्यादा शामिल है। नोटबंदी के टाइम में एक लिमिट रखी गई थी 2.5 लाख की, लेकिन उसके बावजूद ही कुछ लोगों ने 5 लाख तक अकाउंट, आपके द्वारा नोटिस दिया गया, क्या है पूरा मामला? इसमें मामला ये है कि नोटबंदी के बाद जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिए थे, उसमें नोटिस दिए गए थे उनको 142(1) के 142(1) के अंतर्गत आयकर अधिनियम की धारा 142(1) के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने के लिए नोटिस दिया गया था, तो ज़्यादातर लोगों ने नोटिस का जवाब दे दिया था। ऑल ओवर इंडिया करीब 87,000 ऐसे मामले चिन्हित किए गए थे जिसमें लोगों ने 142(1) के अंतर्गत आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था। उन लोगों को सिलेक्ट किया गया था, उन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि ये सब क्या है, बैंक अकाउंट वगैरह से डिटेल मांगी गई और जहाँ से भी हम डिटेल ले सकते थे वहाँ से डिटेल मांग के उनका असेसमेंट किया जा रहा है। सर, इसमें ये कौन लोग हैं जो इस तरीके के चिन्हित किए गए हैं? वो सभी तरह के लोग हैं, सभी तरह के लोग हो सकते हैं, व्यापारी भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो व्यापार नहीं करते हैं, वो सभी टाइप के केस उनको देखा जा रहा है और उसी हिसाब से उनका असेसमेंट किया जा रहा है। सर, मुरादाबाद में लगभग कितने लोग हैं इस तरीके के? करीब 250 के करीब हैं। सभी को सर मुरादाबाद चार्ज में पूरे तो सर सभी को नोटिस दिया गया है? हाँ, सभी को नोटिस दिया गया है। कितने दिन में सर जवाब मांगा गया है सबसे? वो तो फाइनल स्टेज पे है असेसमेंट, 30 सितंबर तक हमको करने हैं कम्प्लीट। हो तो कुछ ऐसे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, उनको बाद में भी किया जाएगा। सर, अगर इतने दिन में जवाब नहीं देते हैं तो उसके बाद क्या कार्रवाई आगे की जाएगी इनके खिलाफ? इन सभी केसेस में आयकर अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत असेसमेंट किया जा रहा है, तो जिसको कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जिसमें हमारे पास जो भी रिकॉर्ड पर जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी हम गैदर करते हैं बैंक से या जहाँ से भी, उस पूरे मटेरियल को छानबीन करके तब असेसमेंट किया जाता है। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का मतलब यह है कि हमारे पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए उसकी कितनी इनकम हो सकती है उस हिसाब से उस पर असेसमेंट किया जा रहा है। थैंक यू। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।